मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा जहाँ हम लोग आज स्थित गर्ल्स हॉस्टल में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इनके अध्यक्ष हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष जो हुए या फिर प्रबंधकारी जो समिति यहाँ पे बनी हुई है डांगी समाज की, एक अनोखा बिल्डिंग हमें देखने को मिला। और यहाँ पे जो संपूर्ण भारत में एक नई चीज़ें हम लोगों को मिल रहा है कि जैसे गया में हम अगर बात करें तो गया का एक लखनपुरा छात्रावास जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन वहाँ पे रह रहे हैं बॉयज। यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए कम से कम 150-200 लड़कियाँ यहाँ पे दो तल्ला बिल्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ये 2 करोड़ की लागत से यहाँ पे बनकर तैयार है। अभी कुछ कुछ चीज़ें जो बच गई है हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यहाँ के अध्यक्ष सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम बगाजी जी। तो यहाँ पे जो यह बिल्डिंग कैसे कैसे निर्माण हुआ उसके बारे में जानकारी दीजिए, और लड़कियाँ को कैसे यहाँ पे रहेंगी, क्या करेंगी, यहाँ पे रहने के लिए क्या व्यवस्था होगा लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए यहाँ पे जी रहने के लिए हाँ हमने समिति से विचार किया है हाँ, हाँ कि लड़की 10वीं के बाद हाँ हाँ या 8वीं के बाद में लड़कियों को रखेंगे हाँ, बड़ी लड़कियों हाँ उनकी व्यवस्था रहेगी यहीं पे जी, और रहने की व्यवस्था रहेगी। कम से कम ये 24 कमरे हैं हाँ, 6 कमरे 12 कमरे तो दूसरी पहली स्टोरी पे है हाँ, और 12 कमरे दूसरी स्टोरी पे, 24 कमरे हैं, इसमें कम से कम 100 लड़कियां रहेंगी। तो यहाँ पे रह के क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे या फिर कुछ? ये ब्यावरा स्कूल में पढ़ने भी जाएगी जी और उनकी तैयारी करेगी। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरा है लड़कियों के लिए, काफ़ी दिक्कत होता है क्योंकि गांव से आकर लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं, कई लड़कियों का हायर एजुकेशन छूट जाता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगा? इसी वजह से तो हमने ये तो बनाया है, इसीलिए हमने ये हॉस्टल बनाया है जी कि लड़कियों को यहाँ रख के पढ़ाएं और तैयारी करें। इसके बाद में लड़कियों को भी, ऐसी लड़कियों को हम रखेंगे हाँ, जैसे उनके हाई सेट नंबर से, हाँ 10वीं में हाई परसेंट नंबर रहेंगे, नंबर से रखेंगे उनको हाँ, ज्यादा से ज्यादा नंबर वाली लड़की को रखेंगे, फिर उससे कम वाली को रखेंगे। यही हमारी सोच है क्योंकि लड़कियां तो समाज की बहुत है, लेकिन यहाँ अभी 100 सीट है। हमारा विचार है कि और सीट भी बढ़ाएं, और भी बनाएंगे, लेकिन अब वो क्योंकि इसका काम है धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ पे और भी क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंपस है खेलने के लिए, लड़कियाँ अगर रहेंगी तो खेल कूद के लिए भी हाँ, है काफ़ी जमीन भी है, बाउंड्री है, यहाँ पे शहर के बीच में है। दूसरी चीज़ है कि बगल में डांगी मोहल्ला है, मीन्स देख रेख के लिए किसी भी तरह के असुरक्षा के कंडीशन में लड़कियों को यहाँ पे तुरंत सुविधा मिल पाएगा, और शहर से नज़दीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितना कैंपस में है, कब इसको खरीदा गया था, कैसे कैसे यह बिल्डिंग का निर्माण हुआ? ये कम से कम 2012 में खरीदा था जी, और ये तो बहुत सस्ते रेट में ले लिया था। हाँ हाँ, शाहजी का जमीन है, हमारे एक वकील साहब की जमीन थी, हाँ हाँ, उनसे हमने लोन ली थी हाँ, सिर्फ 10 लाख रुपये में लगी थी, और इसमें 1 लाख बच्चियों को खेल कूद जो भी उनका व्यायाम की जगह वो सब बनाएंगे, और लड़कियों को सारी सुविधा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रहने की दिक्कत रहेगी नहीं क्योंकि बाजू में समाज का मोहल्ला है, सब देख रेख करेंगे। इसके बाद में लड़कियों को बहुत सुविधा देंगे, और यहाँ पे अगर वो चाहेगी तो यहाँ पे उनको कोचिंग व्यवस्था भी यहाँ पे करवा के देंगे, क्योंकि अगर इकट्ठी लड़की रहेंगी
तो कोचिंग वाला भी यहीं पर जाएगा, और स्कूल जाना है तो स्कूल जाएगी, देख रेख रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसी वजह से यहाँ पे हमने हॉस्टल के लिए हॉस्टल बनाया गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी सोच, और इन्हीं सोच के साथ हम लोग कुछ इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी लड़कियों की एजुकेशन काफ़ी ज़रूरत है। दांगी वर्ल्ड क्लासेज और दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और एजुकेशन पे हमारी प्राथमिकता है। तो आप लोगों की यह सोच को मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि समाज के लिए कुछ अलग सोचे हैं, कुछ नया सोचे हैं, और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कृतसंकल्पित हैं। तो आगे कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्रामीण भी हैं। ग्रामीण सर, आपका शुभ नाम? चंपालाल दांगी जी। चंपल जी, ये बताइए कि यहाँ पे क्या ये बिल्डिंग बनने से क्या लाभ मिलेगा लड़कियों को? गांव के लोग बहुत गरीब है जी, बच्चियों को आठवीं के बाद पढ़ा नहीं पाते हैं, गांव में आठवीं तक स्कूल है जी, इसके बाद में शहर में कोई भेजता नहीं है माता पिता। तो हमारे समाज के बड़े सभी लोगों ने विचार किया कि यार लड़कियों को कैसे पढ़ाए, क्या करें, तो सभी ने बैठ के फिर ये धर्मशाला जो छात्रावास बनाया, इसमें यही सोच के बनाया कि इसमें यानी गरीब लोगों की लड़कियां अगर अच्छी पढ़ने वाली है तो वो यहाँ रहेंगी, उनके लिए यहाँ बढ़िया सुविधा, सारी तरह की सुविधा दी जाएगी और उन्हें पढ़ाएगी यहाँ। बहुत अच्छा, तो हम चाहेंगे कि इस बिल्डिंग को हम दिखा दें, कुछ लोगों से भी जानकारी ले लें। जैसे अभी रामेश्वर जी भी हैं यहाँ पे, आपका इसी जिले से हैं, पगारा से। तो सर, आप यह बिल्डिंग कितना लाभकारी साबित होगा, इसके बारे में थोड़ा जानिए। सर ये तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है समाज के लिए जी, और दांगी समाज में पहली बिल्डिंग ये है हमारे क्षेत्र में, तो जो कंप्यूटर हुई पूरा भारत में यह पहली बिल्डिंग है जो लड़कियों के नाम कुर्बान होगा। अच्छा, और जिसके बाद में जैसा जो हमारे मंत्री जी ने बताई है कि वास्तव में पढ़ा नहीं पाते हैं पैसे की वजह से, मार्केट में बेचते नहीं, तो यहाँ सब सुविधा मिल जाएगी। हमारे श्री अध्यक्ष साहब जी ने बताया ना कि पास में उनका गांव है लगा हुआ इससे, तो बच्चों को कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, और बिल्कुल 100 कदम दूरी पर बाजार है, स्कूल है, तो वहाँ स्कूल करेगी, और शाम को यहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था रहेगी, तो कोई बच्चे को डर नहीं रहेगा। इसलिए हमें बहुत अच्छी खुशी है समाज के लिए, तो इतना बड़ी बिल्डिंग मिली हमें। सर, शिक्षा का क्या स्थिति है यहाँ पे? आप चूंकि यहाँ पे शिक्षक भी हैं गांव में, तो लड़कियों की शिक्षा की क्या संभावना है और क्या स्थिति है अभी? क्या सर, ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियाँ अधिकतर अशिक्षित रह जाती है, क्योंकि वहाँ 8 क्लास तक स्कूल है, और फिर अगर बाजार में छोड़ते तो अकेली कहाँ छोड़ते, इसलिए पूरे दांगी समाज के लोगों ने बड़े बड़े ने विचार करके यह धर्मशाला तैयार करी, उसमें यानी गर्ल्स हॉस्टल के लिए बच्चे रहेगी जो ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ रुकेगी, तो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, उनका विकास हो, पढ़ने में आगे बढ़े, कोई नौकरी करे, ये सारी सुविधा हम दांगी समाज के सभी कर्मचारियों ने इसमें सहयोग प्रदान किया, सभी जितने भी सभी विभाग के हैं और बड़े बड़े लोगों ने सहयोग किया, इसकी वजह से यह बन के तैयार हो गई। आपका शुभ नाम? प्रगति पर है उसका। आपका शुभ नाम? मेरा बैजनाथ दांगी, मैं टीचर हूँ। ये सर, आप किस पद पे हैं यहाँ पे, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राम भगत दांगी जी, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ का हूँ। ये कितने लागत अभी तक लग चुकी होगी और कितने लागत की स्कीम है? अनुमानित लागत 1,25,00,000 के लगभग लग चुकी है। ओके, कितना क्या स्कीम है अभी? अभी हमने एक दिन टोटल मिलाया था इसका जी, तो अभी बता रहा था सब की भाई अभी 25-30 लाख रुपए और लगेंगे। और ये फंडिंग कैसे, कहाँ से? फंडिंग ये ऐसे हुई है जी, फंडिंग का जब जमीन खरीदी जी, जब सबने बैठकर विचार किया था जी, तो सबने पैसा दिया थोड़ा थोड़ा जी, और जमीन खरीदी जी, फिर विचार किया, फिर बैठक की हमने, हाँ, पूरे ब्यावरा तहसील, हाँ, और नरसिंहगढ़ तहसील के समाज के बारे जी, बैठक करके घोषणा की, किसी ने कि 25,000 देंगे, किसी ने कहा 50,000 देंगे। हमारे कर्मचारी भाइयों ने, या कम से कम 300 कर्मचारी है ब्यावरा नरसिंह, सभी ने इनने भी बैठक की है, बैठक करके इनने विचार किया कम से कम अपन 1-1 महीने की तनख्वाह दें इसे। तो हमारे कर्मचारी भाइयों ने, कईयों ने 1-1 महीने की तनख्वाह भी दे दी, किसी ने कम दिया है, तो इनने तय किया था कि भाई कम से कम एक तनख्वाह को 4 किस्तों में दे दो, 5 में दे दो, इसे दे रहे हैं। और सभी का, छोटा आदमी का, समाज का, या बड़े आदमी का, सभी का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, वो सहयोग मिलता रहेगा, हमें एक आशा है
कि ये शुरू में तो हमने सोचा था कि भाई ये बिल्डिंग इतनी बड़ी कहाँ से तैयार होगी, लेकिन हमें विश्वास था समाज का कि भाई ये कैसे भी तैयार हो जाएगी, लेकिन ना ढंग से, इसलिए सभी ने विचार करके काम चालू कर दिया और ईश्वर ने चाहा, मानना ने चाहा तो काम पूरा होगा हमारा और तैयार बनकर रहेगी, हमारी बच्चियाँ पढ़ेगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी और प्राप्त करके आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे मंदिर का भी कुछ जानकारी हम चाहेंगे, मंदिर की क्या स्थिति है? हाँ, बाजू में मंदिर बनाया है जी, आयना माता का। तो ये पहले पता लगा था कि अपनी कुलदेवी माँ उदयपुर के आगे है कोई गांव में, तो वहाँ से ज्योति लेकर आए, सभी का विचार हुआ। खेमली में उदयपुर? हाँ, खेमली, उदयपुर खेमली जी। तो सभी का विचार है, ज्योति लेकर आए, मंदिर बनाया जाए तो जी, मंदिर बनाया है, उसकी व्यवस्था चल रही जी, रोजाना सुबह शाम को पूजन होती है, वहाँ की ये समिति बना रखी है मंदिर अलग, और काम चल रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत चीज़ों को हम समाहित कर लिए हैं, हम आगे दिखाना भी चाहेंगे कि कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है और पूरी तरह से वेल फर्निश्ड हो चुका है, लेकिन अभी कुछ कुछ काम बाकी हैं, सारी सुविधाएं जो है लड़कियों के लिए मिलने वाला है, और हम उन तमाम सभी इच्छाविद या फिर कर्मचारियों से जो इस बिल्डिंग में अपना योगदान दिए हैं, अपनी पूरी तन्मयता से अपनी पूरी पूंजी को लगाए हैं, अपना एक महीने का वेतन दिए हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं, इसलिए कि वो बहुत बड़ी त्याग करके एक शिक्षा को, एक शिक्षा क्षेत्र में एक बिल्डिंग अपनी अहम भूमिका निभा रहा हो, उसको आपको स्थापित करने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिए हैं। तो हम दिखाने की कोशिश को ये सेकेंड फ्लोर हुआ, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, यह एक बड़ा हॉल सा है और हवादार, इतने बड़े हॉल आप देख सकते हैं कितने बहुत शानदार ही तरीके से बनाया गया है, इसकी बाउंड्री वॉल भी हम बाहर दिखाते हैं। यह बिल्डिंग की खूबसूरती वाकई देखने में लगता है कि एक छात्रावास है, और यह रहा फील्ड जो पूरी तरह से घिरा हुआ है, बाउंड्री वॉल है, और सामने मंदिर, उस ओर भी मंदिर, और हम सामने आपको बिल्डिंग को दिखा पा रहे हैं, यह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जो गर्ल्स हॉस्टल ब्यावरा के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध होगा, और यह हॉस्टल में लड़कियों को रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था निशुल्क की जाएगी।